इसके अंदर, और ये दूध हमारा समा गया है इसके अंदर, और अब हमें यही दूध वापस निकालना है। और धीरे से चुल्लू लगा के कहिए तो पी लूँ, कहिए तो ऊपर से पी लूँ, जैसे आप कहोगे वैसे पी लूँगा यार, है ना। तो यूं करके हम यूं पीने की कोशिश करते हैं यार। यार दूध नहीं आ रहा यार, दूध गायब हो गया यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार। दोस्तों दूध हमारा जो है डाइस बन चुका है। हेलो फ्रेंड, जय बाबा की। हाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी लोग? मैं भी बहुत अच्छा हूँ दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हर बार आपके लिए लेके आता हूँ एक न्यू मैजिक ट्रिक, जो कि पहले मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आपको सिखाता भी हूँ आखिर ये मैजिक हुआ कैसे। आज भी हम आपके लिए लेके आए हैं यार एक बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही प्यारी सी एक छोटी सी मैजिक ट्रिक है। तो छोटी सी लेकिन यार कमाल कर जाती है जहाँ पे आप दिखाते हैं यार। इतना थोड़ा सा ख्याल रखा करिए, कोई भी मैजिशियन अपना खेल दिखाए, कोई भी अपना जादू दिखा रहा हो, बीच में मत बोला करिए यार, बल्कि उल्टा काम किया करिए। क्या किया करिए मालूम? आपको करना ये है कि कोई भी मैजिशियन अगर अपना खेल दिखा रहा है, जो बंदा बीच में बोल रहा है उसको शांत कर दीजिए, है ना। उसको आप सभी लोग कहिए कि भाई तेरे को मालूम है यार, तू बैठ, मेरे को नहीं मालूम है, मैं देखूंगा। आप उल्टा चालू करिए अब, ठीक है। तो यार अपने भाई हो ना, करोगे ना, करना तो लाइक नीचे भी जरूर करके मुझे बताना, मुझे आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। एक कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको बात कैसी लगी और मैजिक कैसा लगा, ये भी बताइएगा यार। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। इसका जो ये ढक्कन है आप देख सकते हो, इसका जो कैप है ये ब्लू कलर का है, और हमारा जो बॉक्स है वो रेड कलर का है, ठीक है। तो हमारे पास ये बॉक्स है, खाली है, कुछ नहीं यार इसमें अभी तो, है ना। और इसमें यूँ करते हैं, एक चुटकी मार देते हैं, ऊपर करते हैं, नीचे लाते हैं, और धीरे से एक फूंक मार देते हैं तो एक फ्लावर आता है, अच्छा है, ठीक है। बॉक्स से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं यार, जादू में ये सब चला करता है। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा लेते हैं दूध, दूध दूध दूध, हड्डी मजबूत है ना, तो हमारी हड्डी मजबूत है यार। आज ही कोई कूदा था लेकिन मैं टूटा नहीं यार। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए हम इसमें डाल देते हैं दूध, और ये हमने आपके सामने इसमें डाला दूध, और ये हमारा दूध गया इसके अंदर, और ये दूध हमारा समा गया है इसके अंदर, और अब हमें यही दूध वापस निकालना है। और धीरे से चुल्लू लगा के कहिए तो पी लूँ, कहिए तो ऊपर से पी लूँ, जैसे आप कहोगे वैसे पी लूँगा यार, है ना। तो यूं करके हम यूं पीने की कोशिश करते हैं यार। यार दूध नहीं आ रहा यार, दूध गायब हो गया यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार। दोस्तों दूध हमारा जो है डाइस बन चुका है। वो नाइस, गजब है यार, मान गए। हमारा जो दूध था वो हमारा पूरा डाइस बन चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों, है ना। बहुत शानदार, बहुत ही कमाल का, बहुत ही उम्दा मैजिक है दोस्तों। और उसके बाद फिर से हम इसमें फूंक मारते हैं, एक फूंक मारते हैं, यूं चुटकी मारते हैं, इसको नचाते हैं, ग्लास को ही ऊपर नीचे नचा लीजिए, और फिर से देखते हैं इसमें दूध शायद अब की बार फिर वापस निकला है। वाह यार, दूध आ गया, और बॉक्स हमारा वैसा का वैसा खाली, दूध फिर से इसमें आ चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं जो हमारा बॉक्स है वो बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस जो हमारा दूध था वो दूध इसमें में से अब फिर हमारे ग्लास में वापस आ चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस दूध से ही एक सुंदर सा डाइस बना और दोबारा से वो दूध बन गया। तो अब हम आते हैं इस मैजिक के रहस्य की ओर। तो दोस्तों, जादू का, मैजिक का ट्यूटोरियल, रहस्य जानने से पहले सिर्फ एक मिनट का समय लूंगा आपसे। आप हमसे मंगवा सकते हैं जादू का कोई भी सामान, कोई भी आइटम, बहुत ही उचित दामों पे, बहुत ही कम दामों पे दोस्तों। आप चाहें तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं, एक से भाग एक से लेकर भाग आठ तक हमने मैजिक के सामान के सभी लिस्ट डाल रखे हैं। सभी लिस्ट में भाग एक से लेकर भाग आठ तक, भाग एक दो तीन चार, सभी में अलग अलग लिस्ट सामान है। मैंने एक एक सामान हाथ में लेके दिखाया है, उसका दाम और उसका नंबर भी आपको बताया है दोस्तों। दाम, नाम और नंबर, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको लिस्ट खोलनी है, या आप मुझसे अपने व्हाट्सएप पे लिस्ट मंगवा लीजिए, आप एक हाई लिख के भेजिए, हम आपको यहाँ से लिस्ट भेज देंगे। आप खाली लिस्ट खोलिए, और लिस्ट खोल के जो भी आपको आइटम पसंद आ रहा है, आप उसका नाम या नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको यहाँ से बिल बना के भेजूँगा, आपका पोस्ट ऑफिस द्वारा सामान भेजा जाएगा, और रसीद की फ़ोटो हम अगले दिन आपको
भेज देते हैं। डिस्क्रिप्शन पे हमने अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है, आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, हमारा मोबाइल नंबर है 82 99 14 48 99 82 99 14 48 99। यही हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है दोस्तों, तो आप हमसे कोई भी सामान मंगवा सकते हैं या खुद भी आके ले सकते हैं बहुत ही कम दामों पे, बहुत ही उचित दाम पे दोस्तों। हमारी शॉप उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों आपको जादू का मैजिक का कोई भी सामान चाहिए, सारे सामान हमारे पास अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं, आप हमें ऑर्डर करिए, आपके घर तक पहुँचेगा सामान या आप खुद भी आके ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों इस जादू के मैजिक के रहस्य की ओर, ट्यूटोरियल। तो दोस्तों एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें देखिए पहले तो इसमें आपको मिला है एक बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा एक सुंदर सा स्प्रिंग फ्लावर जो कि है गोल शेप में, है ना। इसको हम पहले तहा लेते हैं अच्छे से, और तहाने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें आखिर हमें करना क्या है। दोस्तों मैजिक यार पसंद आया करे तो यार लाइक ज़रूर किया करिए, नीचे वाला बटन यार लाइक का होता है, थोड़ी सी कंजूसी कम करके लाइक वाला ज़्यादा बटन दबा दिया करिए तो यार मज़ा आ जाएगा। आप ही के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, है ना। और बाकी नहीं तो वो बोलते नहीं हो, थोड़ा बहुत बोल देते हो कहाँ मर जाए जाके, वही हो जाता है यार जाने मत दीजिए, पकड़ के रखिए यार, है ना। और बाकी देखते हैं और भी नए मैजिक आपके लिए लाते रहेंगे, डिमांड अपनी फरमाइश जारी रखिए, डिमांड करते रहिए, आपकी डिमांड पूरी होती रहेगी, मैजिक आपके लिए आते रहेंगे, नए नए मैजिक लाते भी रहेंगे, सिखाते भी रहेंगे यार, कोई भी सामान भी आप हमसे मंगा सकते हो। तो देखिए ये हमने यहाँ से, है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारा मोबाइल और व्हाट्सअप नंबर सभी कुछ है, और 8 पार्ट तक मैजिक लिस्ट है, उसके अलावा भी कोई सामान आप कहेंगे तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। अब देखिए हमारे कैमरामैन से मैं ये कहूँगा कि हमारे समीप आएँ और आके ये चीज़ दिखाएँ। ये देखिए हमारा स्प्रिंग फ्लावर है, इसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए साइड में जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे इसमें ये जगह होती है, ठीक है, ये फोक एंड टाइप से होता है। हमने पहले इसमें यहाँ पे स्प्रिंग फ्लावर फंसा दिया, ये फंसा दिया, और फंसाने के बाद हमने क्या किया, इस ढक्कन को कर दिया बंद। अब हम आपके सामने जब आए तो हमने ये ढक्कन खोला, और ढक्कन खोलने के बाद सबसे पहले हमने इस धागे को पकड़ के, स्प्रिंग फ्लावर के धागे को पकड़ के और यहाँ से इसको खींच दिया, तो आपका बॉक्स से बड़ा तो स्प्रिंग फ्लावर पहले निकल आया। सबसे पहले तो हम इस चीज़ में चौंक गए। नंबर दो पे हमने क्या किया, जब हम इसमें दूध डालेंगे तो वो दूध देखिए यहाँ से जाएगा, यहाँ से ये इसके अंदर जा रहा है, ठीक है, ये साइड में इसमें अंदर बॉक्स है, ये वी शेप में आपका बना हुआ है, ये पूरा दूध देखिए हमने इसमें डाल दिया, ये अंदर चला गया, ठीक है। और अंदर जाने के बाद ये अंदर वाले जो खांचा है हम इसको उल्टा करके निकालेंगे। यहाँ पे देखिए एक छेद है हमारे डाइस को पकड़ने के लिए, ठीक है। हम जब इसको यूँ उल्टा करके निकालेंगे तो ये दूध हमारा नहीं निकलेगा दोस्तों, ये क्योंकि ये साइड में इसमें भर चुका है अंदर जाके। और फिर हम इसे अपने हाथ में धर लेंगे और यहाँ से हम ये डाइस छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों, ये डाइस हम यहाँ से छोड़ देंगे तो हमारा वो डाइस बाहर निकल आएगा जो कि दूध से डाइस बना है ना। और फिर हम इसे वापस ले लेंगे, जैसे हमने इसे डाला था वैसे ही हम इसे वापस लेंगे, और यूं करके हम इसे फिर से वापस ले लेंगे तो ये फिर से वैसा का वैसा हो जाएगा। अब जब हमें दूध निकालना है तो पीछे वाले डाइस पे हमें फिर से उंगली लगानी है खांचे पे, और इधर से ये दूध वापस निकाल लेंगे, मतलब दूसरी ओर से पलटाएंगे तो दूध नहीं निकलेगा, पहली ओर पलटाएंगे तो दूध निकलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इतना ही था आज का मैजिक, आपके कमेंट का आपका भाई इंतजार कर रहा है, लाइक करना यार, जिसको चाहे उसको शेयर कर देना, और अगली बार फिर मुलाकात होंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय बाबा की दोस्तों।